ਓਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆ ਜਾਓ। ਤਰਸ ਖਾਓ ਯਾਰ ਇਸ ਗਰੀਬ 'ਤੇ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ? ਦਿਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ 0 ਵਿਊ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਬਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर होस्ट साकब अली एंड वेलकम टू तड़पते भड़कते व्लॉग में। आपको रमज़ानुल मुबारक का दूसरा रोज़ा मुबारक हो। और सुबह मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि दिल नहीं कर रहा था, बड़ा ना थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया था मैं कि व्लॉग्स वगैरह तो चल नहीं रहे, मैं क्यों बनाता रहूँ यार इतनी वीडियोज़ और मेमोरी फुल करता रहूँ। फिर भी अभी आगे कहा यार चलो कोई नहीं, हिम्मत नहीं हारनी हमने। और अभी साथ हमसाए उनके पास गया था दूध लेने, ठीक है, कुंडा खड़का खड़का के कोई बंदा आया नहीं है, खाली हाथ वापस आ गया। और अभी दूसरा ये दूध लेके आया हूँ, ये है जी गाय का दूध। तो गाय का दूध इसलिए लेके आया हूँ कि छोटी रमैसा के लिए भाई दूध है उसका, गाय का लगाया हुआ है। और अभी हम तैयार होंगे एक जॉब के लिए जाना है, इंटरव्यू देने के लिए, तो चलें चलते हैं देखते हैं क्या होता है। लो जी अभी रेहान के पास जा रहा हूँ। रेहान के पास क्यों जा रहा हूँ यार, पैकेज कल का 10 बजे बगैर ही पैकेज मेरा ख़त्म हो गया था। और रात को यानी कि 10 बजे बगैर यानी कि रात को जो मैसेज आता है भाई आज तुम्हारा पैकेज एक्सपायर हो जाएगा, तो वो मैसेज ही नहीं आया। तो मैं अभी जा रहा हूँ रेहान के पास, उसको कहूँगा भाई डाटा दो, हॉटस्पॉट शेयर करो, और फिर मैं अपना पैकेज लगाऊंगा। ऑलरेडी मैंने कॉल करके कॉल सेंटर पे कह दिया है भाई मेरा पैकेज एक्टिवेट करो, एक्टिवेट कर दिया उन्होंने। बाकी हमने जब पैसे करने हैं तो फिर वो एक्टिवेट होगा, उधर से लग गया है। आज मंथली पैकेज लगाएंगे जी, डेटा सुपर डेटा 200 GB वाला, चलो चेक करते हैं। हाँ जी गाइस कैसे हैं आप, उम्मीद है कि अच्छे होंगे आप। तो अभी आप मुझे इस ड्रेस में देख रहे हो भाई, और हेलमेट शेलमेट पहना तो यकीनन आपको पता लग गया होगा कि बाइक पे हूँ। और जनाब आपको भाई बता दूं मैं किधर जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जो एक छोटा सा इंटरव्यू है। तो बारिश भी माशाल्लाह लग गई है, मेरा ख्याल आज जाने नहीं देगी, काफ़ी तेज़ बारिश लग गई है। तो मेरा दिल है वापस चलते हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ लग गई है। तो अभी ये देख सकते हैं मौसम बना हुआ है ऐसा बारिश का, और बारिश भी लग गई है। तो जाते जाते हुए ये ना हो गए भाई भीग जाए, सुबह का टाइम लेते हैं कि या मैं सुबह आ जाऊँगा ये मौसम ठीक हो जाए। रेडी तो हो गया हूँ, बाइक भी ले ली, ये देख सकते हैं ये फाइल आगे रखी हुई है। और अपॉर्चुनिटी अच्छी है भाई, इफ़ यू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी सो डोंट लीव दैट अपॉर्चुनिटी, ओके, सो ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, ओके। अभी बारिश बड़ी तेज़ हो गई है तो वापस जाना पड़ेगा, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। चलो भाई भेज गए गाइस, अल्लाह नु पता नहीं की मंजूर है, जो होता है ना वो इंसान के लिए अच्छा होता है। आप देख सकते हैं बारिश लगी हुई है और मेरा जाना कैंसिल हो गया है, कपड़े वगैरह चेंज किए हैं और मौसम आप देख सकते हैं जी बादल वगैरह बना हुआ है। तो चले कोई बात नहीं, जो लागी मर्जी, बाकी बंदा अच्छे के लिए करता है अपने तरफ से, ठीक है कि यार मैं यहाँ पे जा रहा हूँ मुझे जॉब मिल जाएगी, आगे से कुछ हो जाता है या फिर कोई रुकावट बन जाती है, इसमें बिल्कुल कह लो कि कोई मसला परेशानी वाली बात नहीं होती। इसमें सिर्फ यही होता है कि अल्लाह पाक आपके लिए बेहतर करना चाहता है, ठीक है, आपको रोक रहा है इससे, यहाँ पे रुकावट डाल रहा है, तो अल्लाह तवक्कल, जो होगा अच्छा होगा, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो अभी के लिए मैं वीडियो एडिट करने लगा हूँ। तो आइडिया वो क्या प्लान कुछ और था, आगे हर रोज़ प्लान चेंज हो जाता है। तो अभी वेदर की वजह से प्रोग्राम बढ़ गया है, बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी, कपड़े भीग गए थे, अभी चेंज किया है। तो अभी जाकर वीडियो एडिट करूँगा क्योंकि काफ़ी दिनों से व्लॉग वगैरह नहीं डाला। बाकी यार बहुत व्यू कम आ रहे हैं यार, वो अल्लाह का वास्ता आ जाओ, अल्लाह का वास्ता आ जाओ। तरस खाओ यार इस गरीब 'ते, तरस खाओ यार इस गरीब 'ते, यार इन्हें वायरल कर दो, तुहाड़ी मेहरबानी, तुहाड़ा की जाना है यार। काफ़ी सारे बंदे होंगे ने हसदी हसद करते हैं, ओह यार है कि ड्रामे कर लगे, वी है कि वीडियो बनाने लगे, वो यार वो काम में करने वाला, बाकी कोई गल नहीं बेहतर करेगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक। सुबह टाइम में बड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया सी, शायरी तो वक्त मैं वीडियो नहीं बनाई है, मैं यार बना के थक गया, कोई रिस्पॉन्स तो आता नहीं है। बाकी नहीं दिल ने आख्या टेंशन नहीं, अगर 0 वीओ भी है ना तू बना, एक दिन आवेगा इंशाल्लाह, एक दिन आवेगा तुहानू लोग पहचानन दे, ठीक है,
ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਲੋ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਸ ਚੈਨਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਆਡੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡਾਲ ਰਿਹਾ, ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੈਨਲ ਕੀ ਤਰਫ ਜਾਊਂ, ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਊਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਜਾਊਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਊਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜੈਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚਾਂਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜਹਾਂ ਪੇ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵਾਹ ਵੀ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਕਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਥ ਚੈਨਲ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਥ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਹੋਵੇ ਵੋ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਬੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਗਾ ਅੱਛਾ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਥੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਥੱਕਿਆ ਹੈ? ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਿੰਡੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੰਡੋ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਲਝਣ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵਿੰਡੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲੇ। ہاں لو جی ناظرین، ہماری ہو گئی ہے جی افطاری کمپلیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے مسلح پکڑا ہوا ہے اور گھر نماز پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ باہر بہت موسم خراب ہے، بارش ہو رہی ہے، تو میں نے کہا بھائی ادھر ہی پڑھ لو، بڑا چکڑ چکڑ ہوگا تو ادھر ہی گھر میں پڑھ لو، تو پڑھ لیا، پھر کیا کر سکتے ہیں ہم।